नमस्कार, तो स्वागत करते हैं आपका टीवी न्यूज में। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे लिए ईश्वर की ओर से दिए गए वरदान है, विरोधी दल का नेता उनके जैसा ही होना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की हालात ऐसी क्यों हुई, क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोचती है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक वक्त में कैसा होता था ये सबको पता है। एक स्थानीय नेता किसी को भी बुलाकर लाता था और उन्हें पैसे दिए जाते थे और उसमें से वे सदस्य बनाते और अध्यक्ष का चुनाव दिखाया जाता था। डिप्टी सीएम ने कहा कि देखते ही देखते कांग्रेस में कार्यकर्ता खत्म हो गए, नेता बड़े हुए, पार्टी छोटी होती गई। वहीं बीजेपी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कार्यकर्ता ही हमारा कदावर नेता होता है, ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। वहीं बीजेपी नेताओं को पता है कि अपना नेतृत्व जो बढ़ा हुआ है वो अपने कार्यकर्ताओं के कारण बढ़ा हुआ है। आज जो दिख रहा है वो पीएम मोदी के कारण हो रहा है। यह 24 घंटे काम करते हैं। इससे पहले फडणवीस ने सोमवार को यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को कुल 48 सीटों से 40 से अधिक सीटें मिलेंगी। वहीं महायुति तीन दलों का गठबंधन है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि विपक्षी यहां विकास अघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बताए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटें जीती। तब उसने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अभिभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन किया था जिसमें 18 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट और उसकी गठबंधन सहयोगी एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। केंद्रीय और राज्य बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में 45 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। वहीं 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बाद कुल 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।